हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे मिल पाए। बुलाया गया था जी बिल्कुल, दो दिन एक साल हो गया गर्दनी बाग थाना। आज क्या कहना चाहते हैं मैम? बहुत ज़्यादा थैंक यू, शुक्रगुजार है। हम लोग का मोबाइल गुम हो गया था, वो लेने आए हैं। कब आपका फोन? पिछले साल 2023 अक्टूबर में। लोग काफ़ी खुश हैं, उन्होंने काफ़ी सराहा भी है लोगों के काम को, हमारे एडिशनल एसएचओस के काम को। ये स्पेशल टीम जो है इसी चीज़ को लेकर गठन की गई थी। लगभग 25 लाख के फ़ोन आज वितरण किए जा रहे हैं और टोटल 10 फेज में अभी तक 2 करोड़ के फ़ोन जो है पटना पुलिस के द्वारा लोगों को वितरण किए गए हैं। इसमें अभी तक 24 अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, उसमें भी आगे हम लोग काम कर रहे हैं और आशा है कि और फोन भी जो है बरामद होंगे। राजन कुमार, बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कई लाखों का मोबाइल बरामद होता है और जैसा कि तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं, ऑपरेशन मुस्कान पटना पुलिस ने चलाई थी। आज वो नतीजा है कि खोया हुआ मोबाइल अब मिलने वाला है और लोगों के चेहरे पर खुशी जो होती है। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? हम लोग का मोबाइल गुम हो गया था, वो लेने आए हैं। कब आपका फोन? पिछले साल 2023 अक्टूबर में, 20 अक्टूबर को। किस थाना अंतर्गत? श्री कृष्णापुरी। आप लोग यहाँ? हम लोग मोबाइल गुम हो गया, वही लेने आए। कब गुम हुआ था? एक साल पहले। आज मिल रहा है? हाँ। गुम हुआ था। शास्त्री नगर। बिल्कुल निश्चित रूप से आप साफ तौर से देख सकते हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सेंट्रल एसपी खुद मोबाइल लोगों को दे रहे हैं, लोगों के चेहरे पे खुशी है। तस्वीर आपके सामने, हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो वितरण हो रहा है, लोग यहाँ देख सकते हैं, लोगों का भीड़ है ताकि वो अपना मोबाइल घर ले जा सके। एक साल दो साल कई अपराधियों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई, निश्चित रूप से देख सकते हैं। मोबाइल वितरण मैम खुद कर रही हैं यहाँ बुलाकर, और जो भी समस्याएं उसे दूर करने का वितरण हो जाएगा। मैम क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? लोग काफ़ी खुश से बोल रहे हैं, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवल हमारी नहीं, जो पूरा मध्य टीम जो है, एडिशनल एसएचओज और टेक्निकल टीम है, उनकी मेहनत है जो आज ये लोगों ने 10th फेज में 171 फ़ोन जो है बरामद किए हैं और लोग काफ़ी खुश हैं, उन्होंने काफ़ी सराहा भी है लोगों के काम को, हमारे एडिशनल एसएचओस के काम को। ये स्पेशल टीम जो है इसी चीज़ को लेकर गठन की गई थी। लगभग 25 लाख के फ़ोन आज वितरण किए जा रहे हैं और टोटल 10 फेज में अभी तक 2 करोड़ के फ़ोन जो है पटना पुलिस के द्वारा लोगों को वितरण किए गए हैं। इसमें आगे भी हम लोग इसी तरीके से ऑपरेशन जो है चलाते हैं। कितने अपराधी की गिरफ्तारी हुई है? इसमें अभी तक 24 अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, उसमें भी आगे हम लोग काम कर रहे हैं और आशा है कि और फोन भी जो है बरामद होंगे। सबसे ज्यादा घटना मैम शास्त्री नगर थाना अंतर्गत हुआ, क्या वहीं से जो है अधिकतर फोन जो है हमारे बरामद भी हुए हैं? कुल 36 फोन जो है शास्त्री नगर थाना के द्वारा बरामद किए गए हैं ऑपरेशन मुस्कान में 10th फेज के अंदर, और उसमें हम लोगों ने कुछ हॉटस्पॉट्स भी चिन्हित किए हैं और उस पर भी हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से जो ऑपरेशन मुस्कान है और जो तस्वीर है, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं सभी का मोबाइल वितरण किया जा रहा है, भीड़ है और जाहिर सी बात है कि पटना करोड़ों का मोबाइल बरामद हुआ और उसके बाद पटना पुलिस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान डाला। हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे मिल पाए। बुलाया गया था जी बिल्कुल, दो दिन एक साल हो गया गर्दनी बाग थाना। आज क्या कहना चाहते हैं मैम? बहुत ज़्यादा थैंक यू, शुक्रगुजार है।